जितनी भी मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ इनका आप अभ्यास करेंगे तभी आपको आएगा, नहीं तो देखने पर मज़ा बहुत आता है। तो आप क्या करेंगे, जैसे कि मैं बता रहा हूँ वर्ग, वर्ग की सीरीज में बता रहा हूँ 100 से कम व ज़्यादा के लिए। जैसे कि हमें 100 का स्क्वायर मालूम है, 100 का स्क्वायर कितना होता है, 10,000, 10,000। अब इसका मुझे 99 का स्क्वायर निकालना है, 99 का वर्ग निकालना है, तो क्या करना है, बिल्कुल सरल तरीका है। क्या ये संख्या 100 से कितनी कम है, एक 100 से कितनी कम है, एक, तो लाइन खींच लेंगे, एक का स्क्वायर लिख देंगे, लाइन खींच ली। अच्छा यहाँ पर कितना लिखा है, 99, ये 99 लिख दो, और जितनी कम है वही इसी में सबट्रैक्ट कर दो। 100 में से कितनी कम थी, एक, तो एक सबट्रैक्ट कर दिया, तो कितना आ गया, 98 ये वाला है, और इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1। तो अब आपको क्या करना है, ये दो डिजिट में लिखना है, लिख दिया, तो इसका 99 का जो स्क्वायर है वो कितना आया, 98 01, 98 01। जैसे 97 का है, 97 का स्क्वायर करना है तो क्या आएगा, ये 100 से कितना कम है, 100 से 3 कम है, तो 3 का स्क्वायर। अब 97 में से 3 घटा दो कितना आ गया, 94, 3 का स्क्वायर 9, लेकिन डबल दो डबल डिजिट में लिखेंगे इतना आ जाएगा। अच्छा अब आपको मैं बताऊँ 98 कितना है, 8, 2 कम 100 से तो 2 का स्क्वायर, फिर 98 में से 2 सब घटा देंगे तो कितना, यानी कि यहाँ आ गया 96, इसका स्क्वायर किया कितना आ गया, 04। तो अब आप लिख देंगे 04 में 04, 96 जैसे जैसे 100 से ज़्यादा वाली संख्या का वर्ग, 100 से ज़्यादा वाली संख्या का वर्ग करेंगे, 101 का स्क्वायर करना है, वही नियम लगाना है, ये संख्या 100 से कितनी ज़्यादा है, 1, तो 1 का स्क्वायर, यहाँ पर जितनी भी संख्या 101, यानी कि 101 प्लस के जितना ज़्यादा है वो जोड़ दो, तो क्या आ गया, 102। इसका स्क्वायर करेंगे डबल डिजिट में लिखेंगे, एक का वर्ग एक होता तो 01 लिख देंगे। ऐसे आप करेंगे 102 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 102 है, 100 से 2 ज़्यादा है, 102 में 2 जोड़ दो क्या आ गया, 104, और 2 का स्क्वायर कर देंगे 4, यानी कि 04 इसका स्क्वायर ये आ गया। 103 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 106, 09। 104 का स्क्वायर करेंगे वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 108, 10,816 आ जाएगा। ऐसी ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और